Now, next topic is factorizing a number into its prime factor. Now, factorizing a number into prime factor. This rule is defined by Euclid, a scientist. अब इन्होंने क्या रूल बनाया? तो रूल्स फॉर फाइंडिंग HCF एंड LCM, जो कि हमारा चैप्टर है HCF एंड LCM. Now, according to this rule, it is said that any composite number can be written as product of its prime number. अभी ये हम ज्यादा समझने के लिए क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे. से 24, तो 24 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2, 12 जा, अगेन 12 को कैसे डिवाइड करेंगे? 2, 6 जा, 6 को डिवाइड करेंगे 2, 3 जा. तो नाउ फैक्टर्स ऑफ 24 को हम कैसे लिखेंगे? Factors of 24 is equals to 2 multiply by 12. 12 को कैसे लिखा? 2 6 जा, that is 2 multiply by 12 is written as 2 6 जा. Again 6 is written as 2 3 जा. So 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. So this is called the factors of 24. And according to rule, this number is composite number. Composite number is written as product of prime numbers. So, यहाँ पे prime numbers कौन से? 2 and 3 is your prime number. Hence, according to rule, हमने क्या prove किया? कि एक composite number है, उसके products, factors कैसे लिखेंगे? Prime numbers के जो product है वो. Next, factorizing a number into prime factors, let's take an example of 24 again. Now, इसका factorization हम दो टाइप से कर सकते हैं. First is vertical arrangement. And second is horizontal arrangement. So what is vertical? We know vertical is like this and horizontal is like this. Means जब हम vertical arrangement में factors निकालेंगे, हम उस number को one below the another लिखेंगे, means in a line, vertical line. So starting from 2, 2 12s are 24. Next 2 6 are 12. 2 3s are 6 and 3 1s are 3. जब यहाँ पे 1 आ जाता है तो वी विल स्टॉप. नाउ 24 को हम कैसे डिवाइड किया हमने? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस आर द फैक्टर्स. नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 24 को हम कैसे लिखेंगे? 2 12 जा, अगेन 2 एज इट इज, 12 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 6 जा, अगेन दिस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 12. नाउ 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 3 जा. नाउ दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ 24, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इन अ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन. फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स, मींस हमें फैक्टराइज करना है. सो फर्स्ट इज 32. नाउ फैक्टराइजेशन के लिए हमने दो मेथड देखे थे, वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल. तो फर्स्ट वन हम करेंगे यूजिंग वर्टिकल. ओके, सो 32 वर्टिकल मीन्स हम ऊपर से नीचे जाएंगे. सो नाउ 2 के टेबल में आएगा 2 1 जा, 2 6 जा,
दो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 32. नेक्स्ट 2 8 जा 16. नेक्स्ट 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा. सो 32 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. दैट इज 2 इज रिटन 5 टाइम्स. सो फैक्टर ऑफ 32 इज दिस इन वर्टिकल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट लेट्स टेक 150. ठीक है, सेम 150 को हम वर्टिकल अरेंजमेंट में फैक्टराइज करेंगे. सो 150 वी विल स्टार्ट विद 2. सो 275 जा 150, अगेन 5 15 जा 75, अगेन वी विल डिवाइड विद 5 3 जा 3 1 जा. सो नाउ दिस आर योर फैक्टर्स. तो हम कैसे लिखेंगे? 150 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस आर द फैक्टर्स. आप अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 2 3 एंड 5 ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स. तो जब हम फैक्टर करते हैं तो वी हैव टू टेक प्राइम नंबर्स ओनली. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल, दैट इज 765. नाउ 765 को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे. हॉरिजॉन्टल मीन्स लाइन बाय लाइन वी विल राइट. सो 765. नाउ 765 को जब हम डिवाइड करेंगे किसी दो नंबर से, सपोज वी विल डिवाइड बाय 9, तो 9 से डिवाइड करने के बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 85 इज योर 765. अब 9 के फैक्टर्स भी है और 85 के फैक्टर्स भी है. देन 9 के फैक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 85 किसके टेबल में आता है? तो 517 का और 17 5 का. तो वी विल राइट 517 का. नाउ व्हेन वी सी दिस इज प्राइम नंबर्स, अगर हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते तो 9 एंड 85 इज नॉट प्राइम नंबर. इसलिए हमने क्या किया? आगे और फैक्टराइज किया. अब फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिला? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17. दिस इज प्राइम फैक्टर्स. एंड दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, लेट्स टेक 208. 208 को हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके देखते हैं. हॉरिजॉन्टल मेथड में हम इसे करेंगे. सो इट्स फैक्टर आर 208. 208 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 104. नाउ 104 को फैक्टराइज करेंगे इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 52. अब 2 और 2 इज योर प्राइम नंबर 52. 52 इज नॉट प्राइम नंबर, तो इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे. सो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 52 को करेंगे 2 26 आ 26. 26 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे. तो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 26 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 13. नाउ 13 इज प्राइम नंबर, यस, एंड 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. सो दिस इज योर प्राइम फैक्टर्स. सो योर आंसर इज 208 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 is 4 times and 13. So this is your prime factors.